बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो आपको ऐसे हंसता मुस्कुराता और खुश आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन पर भी अंगूठा चिपका दें, जज़ाकल्ला। तो यहाँ पे जी सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज फ्राइडे नहीं है लेकिन मैं फिर भी फ्राइडे बना रही हूँ क्योंकि आज जो है वो सालन दाल है, क्योंकि रात में दाल चावल बनाए थे और दाल के साथ जो है वो पराठा अच्छा लगता है। तो वैसे भी मौसम जो है वो थोड़ा ठंड वाला हो चुका है, तो बस यह है कि कुछ गर्मा गर्म खाने को जी जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो दाल के साथ जो है वो पराठे बना लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग पराठों के साथ ही जो है ना वो दाल और पराठे का नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि आज गोसिया का भी ऑफ है और दाल के साथ जो है पराठे जो है वो अच्छे लगते हैं। और ये देखें जी हम लोग ना नाश्ता कर रहे हैं और दाल मेरी की जो दाल है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि दाल ना मुझे बहुत पसंद है। तो फिर उस वजह से जो है ना मैं उसको ना बड़ा इंजॉय कर कर के जो है वो फिर खाती हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, का वही से अपा की खाइए की पकाइए। कुछ समझ ही नहीं आती कि रोज़ाना बस खाने का होता है क्या बनाएं। तो फिर मेरे दिल की गहराइयों से आवाज़ आई कि आज हम बनाएं आलू गोश्त। जो है आलू गोश्त बहुत मज़े का बनता है, तो बस ये है कि फिर मैंने कहा आलू गोश्त बनाती हूँ और अपनी उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी सी आंटी होती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ बस बना लूँ क्या उसको ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो लेकिन मैंने कहा चलें आज जो है ना वो मैं अपनी जो डेली की सालन होता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले जो है मैंने एक प्याज को कद्दूकश कर लिया है। मैं प्याज का काटती नहीं हूँ बल्कि उसको जो है ना वो कद्दूकश कर लेती हूँ, उससे यह कि ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और वो मुंह में भी प्याज ऐसा नहीं आता और वो गाढ़ा गाढ़ा जो थिक थिक उसका शोरबा होता है ना वो बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को कद्दूकश कर लिया, फिर उसके बाद लहसुन और अदरक को डंडी कुंडे में कूट लिया और फिर जो है वो मटन में डाल दिया। और अब ये है कि मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस में मैंने रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट और वो कोरिएंडर पाउडर यानी कि पिसा हुआ धनिया जो है वो ऐड किया, यानी कि जो घर के बेसिक मसाले होते हैं वही ऐड किए हैं। और अब इसको जो है मैं एक नींबू निचोड़ के और पानी डाल के पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं टमाटर ऐड नहीं करती क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है वो किडनी का प्रॉब्लम है। तो फिर डॉक्टर ने हमें टमाटरों से अवॉइड करने को कहा है, तो फिर मैं हांडी में जो है ना वो नींबू ही डालती हूँ। उसके बाद जब ये पानी खुश्क हो गया है तो फिर मैंने ऑयल डाल के जो है ना वो उसकी बुनाई स्टार्ट कर दी है। और ये जो है ना एक बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट टिप है हांडी, किसी भी हांडी के लिए, कि आप जितनी ज़्यादा उसकी बुनाई करेंगे स्पेशली गोश्त या बीफ मटन चिकन जो भी लें, तो वो तभी अच्छा बनेगा और उसमें कलर तभी अच्छा आएगा। एक खूबसूरत सा कलर और ख़ूबसूरत सा टेस्ट जब भी आता है जब आप उसकी अच्छी तरह से बुनाई करें। और ये टिप मुझे मेरी सास ने बताई है और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और जब वो इतनी बुनाई करती हैं बंदा उस टाइम तो उकता जाता है कि ये कितना खड़ा करवा रही है। लेकिन यह है कि जब वो बंदा सालन जब खाता है तो फिर पता चल
चलता है कि ये कितना अच्छा टेस्ट है। और ये देखें कलर भी माशाल्लाह से इसका कितना खूबसूरत आया है। मैंने इसमें कोई भी जो है ना वो कलर्ड मसाला ऐड नहीं किया, बस घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वही ऐड किए हैं। और अब ये कि आलू डाल के मैंने इसको भुना है, और बस पानी डाल के जब तक आलू गलेंगे तो बस जितना फिर शोरबा चाहिए होता है, बस हम लोगों तो एक बहुत कम ही रखते हैं क्योंकि एक टाइम खाना होता है, तो बस फिर ज़्यादा उसकी जो है ना ज़्यादा शोरबा नहीं। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं लंबा शोरबा बना दिया है, तो फिर मैं ना जो इतना शोरबा जो है वो नहीं रखती, बस गाढ़ा गाढ़ा सा। वैसे भी हम लोग सालन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस थोड़ा सा होता है तो फिर हमारा जो है ना वो गुजारा जो है वो हो जाता है। तो बस फिर जितना शोरबा आपको चाहिए हल्की आँच पर रखें ताकि घी जो ऊपर आ जाए ऑयल, तो फिर आप ना उसको हल्की आँच पे जो है ना वो रख दें और फिर उसको जो है पकने दें, और फिर जितना आपको चाहिए आप उसके मुताबिक जो है वो कर लें, और एंड में जो है गरम मसाला ऊपर डाल दीजिएगा। तो मज़ेदार किस्म का आलू गोश्त, खुशबूदार जायकादार ज़बरदस्त किस्म का आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। तो इधर फिर जी हांडी जो है वो बन गई थी, तो फिर चाय का टाइम हो रहा था, चाय के साथ आज कुछ था नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो ये पापड़ मेरे पास पड़े नहीं हैं तो फिर इनको ही फ्राई कर लेती हूँ। गोसिया जो है ना ये बड़े शौक से खाती है, वो प्यारे से लगते हैं ना, कलरफुल से, तो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर ये कि चाय के साथ कुछ ना कुछ जो है वो बनाना जो है वो मेरी हॉबी है। तो फिर ये कि मैं डिफरेंट करके ना तो फिर टी टाइम को जो इन्जॉय करती रहती हूँ। तो बस ये है कि फिर जब हमने चाय पी तो फिर कुछ उसके बाद कुछ रेस्ट किया, तो फिर खाने का टाइम हो गया था और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो खाना खा लिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर जो है ना जैसे देख के सालन का होता है, वो तरी जो है वो ऊपर आ जाती है और वो एक डार्क सा कलर होता है, ये सिर्फ जो है ना बुनाई का होता है। कमाल की जितना आप सालन को भूनेंगे स्पेशली गोश्त वगैरह को, तो उतना ही अच्छा जो है वो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और खाना खाने के बाद जो है वो फिर मेरी जूती जो है वो टूटी हुई थी और गोसे की जूती भी बहुत ख़राब हुई हुई थी, तो मैंने इसके बाबा से कहा कि हमें जूतियाँ दिलवा दें क्योंकि ये फिर पूरा दिन घर नहीं होते और फिर मैं अकेली जो है वो नहीं जाती कहीं, तो फिर इस वजह से जो है ना ये रात को जब आए तो फिर हम खाना खाने के बाद जो है बस ये नज़दीक में ही ना हम लोग जूती लेने के लिए गए, और बस ज़्यादा नहीं हम लोगों ने विज़िट किया मार्केट का इधर उधर, बस ये कि जूती बस हमने ली और फिर हम जो है घर आ गए थे। प्लास्टिक की जूती मैं पहनती हूँ तो फिर मेरे पाँव जो है वो ज़ख्मी होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मैं शुरू से ही ना प्लास्टिक की जूती नहीं पहन सकती, मैं ये लीज़ा की जूती लेती हूँ और ये इसमें ना मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। और गोसिया को अभी भी मैंने इसी की आदत जो है वो डाली है, तो हम लोग ना ऐसी जूतियाँ जो हैं घर में एज अ चप्पल के तौर पे जो है यूज़ करते हैं। बस सिंपल सी हमने ली थी, ज़्यादा जो है शॉप्स पे नहीं गए थे क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो रहा था, और अब ये ठंड हो रही है तो मार्केट्स वगैरह भी जो हैं वो जल्दी क्लोज़ हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में होता है कि काफ़ी देर तक जो है मार्केट्स ओपन रहती हैं, लेकिन सर्दियों में जो है फिर आपको पता है कि ठंड का टाइम हो जाता है तो फिर ज़्यादा जो है ना वो लेट जो है ना ओपन नहीं रखते शॉप्स। तो जिस शॉप पे हम गए थे तो ये भाई भी बस क्लोज ही कर रहे थे, तो इन्होंने ऊपर नीचे रखी हुई थी, तो बस हमने सिंपल सी ले ली। और फिर उसके बाद जो है हमने उधर बेकरी पे जाना था क्योंकि नाश्ते वगैरह की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हुई हुई थी, ब्रेड और बिस्किट वगैरह जो है वो नहीं थे, तो फिर हम ये कि रास्ते में जूती लेने के बाद जो है फिर हम लोग बेकरी पे गए
और बेकरी से जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने लेनी थी वो उसी ने लेस वगैरह लिए हैं, और मैंने बिस्किट और ब्रेड लिए इसके नाश्ते के लिए। और फिर इसके बाबा जो है वो बाहर चाट ले रहे थे, क्योंकि चाट वाले को देख के जो है ना बंदे को होता है कि बंदा चाट खाए। तो फिर मैंने इनसे कहा था कि आप पैक करवा लें, तो फिर हम लोग जो है ना घर जा के फिर खा लेंगे, क्योंकि अब जो है लेट हो रहे हैं बहुत। तो फिर इस गोसिया को भी था सुबह स्कूल जाना है और काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप पैक करवा लें। और फिर जब हम लोग घर आए तो घर आते साथ ही जो है ना मैंने हम लोगों ने चाट खाई, क्योंकि चाट जो है मुझे बहुत पसंद है। और होते हैं अक्सर ख़वातीन में ये कि ज़्यादा जो है वो आपको चटपटी चीज़ें जो है वो पसंद होती हैं, और मुझे भी है कि स्वीट डिश या मीठे से ज़्यादा जो है वो करारी किस्म की चीज़ें जो है वो पसंद हैं। तो बस यहाँ पे जी मैं आऊँ अपनी व्लॉग का एंड, और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी, और अल्लाह हाफिज़।